बार एक गाय और शेर का आमना सामना हुआ। गाय ने शेर को देखा तो वो डर गई और भागने लगी। शेर ने भी उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। गाय को अपनी जिंदगी के लाले पड़ गए और एक चाल सोची। वो शेर को रोक कर कहने लगी, ऐ जंगल के राजा, मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आपके लिए बहुत फायदा मंद होगी। शेर ने उसे सुना और कहा, क्या बात है, जल्दी बोलो, मुझे भूख लग रही है। गाय ने कहा, राजा जी, आपको पता है कि आज एक खास दिन है। आज से एक साल पहले आपने एक बहादुर शेर को मारा था जो आपके अलावा सारे जंगल का बादशाह था। मैंने आपकी ताकत को देखा था। आपने इस शेर को एक ही वार में जमीन पर गिरा दिया था। उसके बाद आपने उसकी गर्दन पर अपना पंजा रखा और उसको मार दिया। शेर ने उसे हैरानी से देखा और कहा, ये तुम कैसे जानती हो। गाय ने कहा, राजा जी, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी। वो एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। शेर ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेना शुरू की और कहा, अच्छा, तो तुम वहाँ मौजूद थी। गाय ने कहा, जी राजा जी, मैं वहाँ पर मौजूद थी और मैंने सब कुछ देखा। मैंने देखा कि आप उस शेर की लाश को अपने मुंह में पकड़कर एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। वहाँ आपने उसको एक पत्थर पर रखा और उसके साथ अपनी तस्वीर बनाई। फिर आपने उसको खा लिया। शेर ने उसे तहज्जुब से देखा और कहा, मेरी तस्वीर कहाँ, मुझे दिखाओ। गाय ने कहा, जी राजा जी, आप मेरी जान बख्श दें, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। शेर ने उसे छोड़ दिया और कहा, चलो जल्दी करो, मुझे अपनी तस्वीर देखनी है। गाय शेर को एक पहाड़ की तरफ ले गई। वहाँ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। गाय ने शीशे की तरफ इशारा किया और कहा, राजा जी, ये है आपकी तस्वीर। शेर ने शीशे की तरफ देखा और अपना ही अक्स देखकर खुश हो गया। वो उसे देखता रहा और अपनी खूबसूरती और शान से मुतासिर हो गया। उसका ध्यान गाय से हट गया। गाय ने इस बात का फायदा उठाया और चुपके से वहाँ से भाग गई। वो अपनी जान बचाकर अपने घर पहुँच गई। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम किसी मुश्किल में फंस जाएं तो हमें होशियारी और हुनर से उससे निकलना चाहिए।